दोस्तों, अगर एक ब्लैक होल आपको निगल लेता है तो उसके बाद आप कहाँ पहुँचेंगे? क्या ब्लैक होल हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा या फिर हम यूनिवर्स के किसी और गोले में पहुँच जाएंगे? क्या सोचे हैं कभी? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको ब्लैक होल के अंदर ले जाएंगे। दोस्तों, सालों की रिसर्च के बाद भी हम ये नहीं जान पाए हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या क्या हो सकता है। आज हम जानते हैं कि जब एक मैसिव स्टार की डेथ होती है तो उसके बचे हुए कोर में ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने लगते हैं और उसका पूरा मास एक सिंगल पॉइंट में सिमटने लगता है, और इस सिंगल पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जो असल में किसी ब्लैक होल की सुपर डेंट कोर होती है। जर्मनी के फेमस कार्ल सर्वर्चर शाइल्ड ने हमें द पॉइंट्स ऑफ नो एस्केप्स के बारे में बताए थे। यदि आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर जाते हैं तो आप कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। हालांकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल दूसरी गैलेक्सी या फिर किसी दूसरे ही यूनिवर्स तक जाने का रास्ता हो सकता है। साल 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने नॉर्थन रोजन के साथ मिलकर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिए थे। ये एक ऐसा ब्रिज था जो स्पेस टाइप में दो अलग अलग पॉइंट को जोड़ता है। आज हम इसे वार्म होल नाम से जानते हैं। तो क्या ब्लैक होल असल में वार्म होल हो सकते हैं, जो हमें यूनिवर्स के किसी और कोने तक ले जाने का रास्ता बताते हैं? एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिकल की थॉन कहते हैं कि अगर ऐसा होता भी तो इंसानों का इसके अंदर ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। कीप थॉर्न अपने बुक द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर में बताते हैं कि यूनिवर्स में फिलहाल ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं खोजा गया है जो वार्म होल बन सके। वार्म होल जैसी बातें सिर्फ साइंस फ्रिक्वेंस का हिस्सा है, और ऐसा कुछ असल में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज लाइट को बाहर नहीं निकलने देती वो किसी इंसान को कैसे छोड़ सकती है। अब हम आपको साइंस का एक और कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं, जो है टाइम डायलेशन। इसमें ये बताया गया है कि जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जितना ज्यादा होती है एक ऑब्जर्वर के लिए, उसका अलाइव टाइम उतना ही ज्यादा स्लो हो जाता है। मान लीजिए कि आपके सामने कोई इंसान ब्लैक होल के इन्वेंटर कोराइजेशन को पार करने वाला है, तो ब्लैक होल को दूर से देखने पर आपको इंसान धीरे धीरे ब्लैक होल के अंदर गिरते दिखाई देगा, लेकिन असल में वो बहुत पहले ब्लैक होल में एंटर कर चुका होगा। दोस्तों, साल 1964 में राइवा के महान कॉस्मोलॉजिस्ट इजोर नोविकर ने हमें व्हाइट होल के बारे में बताए थे। उनके अनुसार व्हाइट होल ब्लैक होल के ठीक अपोजिट होते हैं। जैसे ब्लैक होल अपने अराउंड स्थित हर चीज को निगल जाते हैं और बाहर कुछ भी नहीं निकालते हैं, वहीं दूसरी ओर व्हाइट होल अपने अंदर से मैटर बाहर निकालते रहते हैं और कुछ भी नहीं निकालते हैं। हालांकि हमें अभी तक यूनिवर्स में कोई व्हाइट होल नहीं मिला है। दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर क्या है और उसके अंदर गए मैटर के साथ क्या होता है, इसका जवाब फिलहाल अभी तक किसी के पास नहीं है, और इस मिस्ट्री को सुलझाने में वैज्ञानिकों को काफी मेहनत के साथ वक्त भी लगने वाला है। ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।